हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंटीरियर फर्नीचर आइडियाज़। मेरा नाम है फिरोज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए देख सकते हो प्यारा सा ट्यून यूनिट का डिज़ाइन लेके आया हूँ। तो उसके अंदर आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ पूरा देखेंगे किस किस तरीके से हमने इसको ये ट्यून यूनिट को ये बनाया है। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो सबसे पहले अगर हम ये ट्यूनेट का साइज़ का बात करेंगे, तो ये ट्यूनेट का साइज़ हमने लेंथ रखा है इसका, ये 8 फीट है, और ये फ्लोरिंग लेवल से इसका जो टॉप लेवल है ये 7 फीट है। तो इसके अंदर हमने दो तरीके का कलर कॉम्बिनेशन किया है सनमाइका के अंदर। तो आप ये देख सकते हो उसके अंदर हमने ये इटालियन मार्बल फिनिश के अंदर जो ग्लॉसी माइका है, इसके अंदर हमने पूरा ऊपर टॉप लेवल की इसके ऊपर ये माइका लगाया हुआ है। और दूसरा आप ये देख सकते हो नेचुरल वुडन फिनिश के अंदर ये ग्लॉसी माइका है। तो दो कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमने इसको ये पूरा कलर कॉम्बिनेशन किया है। और सबसे पहले अगर ये हम ये बेस का बात करेंगे, ये देख सकते हो आप, थोड़ा नज़दीक से दिखाइए, ये अंदर अंदर ये 12 या 1 फीट है, ये 12 इंच है। तो इस तरीके से आप रख सकते हो। और उसका जो टॉप लेवल से पूरा जो हाइट है ये तकरीबन 7 फीट है। तो इसके अंदर तकरीबन 20-20 इंच के 4 कप्पे आराम से हो जाएंगे। और इसके अंदर अभी ये पूरे सेल्फ आना बाकी है हमारे, ये पूरे इसके अंदर अभी ग्लास के सेल्फ पर बैठेंगे। और उसी के साथ आप इस साइड में देख सकते हो, इस साइड में हमने ये पूरा ये टॉप लेवल के ऊपर ये पूरा इटालियन मार्बल के अंदर ग्लॉसी माइका लगाया हुआ है। और ऊपर से आप देख सकते हो पूरा 3 इंच का इसके अंदर हमने ये पूरा हैंगिंग लिया है चारों साइड से। और उसी के साथ ही ऊपर से अंदर पूरा एलईडी का स्ट्रिप बैठेगा, जो कि ये जो टॉप लेवल है ये अंदर के टॉप लेवल से भी 2 इंच ऊपर आया हुआ है। और उसी के साथ इस साइड में देख सकते हो आप, ये जो टीवी का जो स्विच है पीछे चला जाएगा। और उसी के साथ ये जो केबल का ये वायर वगैरह स्विच वगैरह ये भी पूरा पीछे चला जाएगा। और इसी के साथ ये ऊपर देख सकते हो आप, इसके अंदर हमने ये गोल्डन का टी प्रोफाइल पट्टी बिठाया हुआ है, जो कि 6 mm है। तो इस साइड में ये देख सकते हो जो एलईडी का जो वायर है ये इस साइड से नीचे है। तो इसी हिसाब से पूरा ये चारों साइड घूमेगा ये। और ये नीचे देख सकते हो आप, ये मेन स्विच है, जहाँ से जो भी है सेटअप बॉक्स का वायर वगैरह जो भी है सब इस साइड में, ये पूरा मेन स्विच बोर्ड ये नीचे दिया हुआ है हमने। और जो ऊपर का जो आप टॉप देख सकते हो, नीचे जो ऊपर का टॉप देख सकते हो आप, ये लिया है हमने 9 इंच का लिया हुआ है। और उसी के साथ ये देख सकते हो आप, ये पूरा 1.5 इंच का धार लिया है हमने। और ये टॉप लेवल से तकरीबन ये 8 से 10 इंच हमने ऊपर लिया हुआ है। और उसी के साथ देख सकते हो आप, ये जो हमने ड्रावर का जो ये जो बेस है ये लिया है हमने तकरीबन ये 12 इंच है। और उसी के साथ ये 5.5 फीट का ये पूरा लेंथ है इसका। तो इसके अंदर हमने ये 3 ड्रावर दिया हुआ है इसके अंदर 20 से 22 इंच का, देख सकते हो आप। उसके अंदर पूरा अपॉइट का माइका है, और दार वगैरह पूरा इसके अंदर पूरा लैमिनेट फिनिश है पूरा ये टोटल। और ये ऊपर का जो टॉप लेवल देख सकते हो आप, इसके अंदर ये हम तकरीबन ये पूरा ये 12 इंच का ही हमने पूरा ये वॉल से पूरा 12 इंच का डिप लिया है। और ये पूरा धार देख सकते हो आप, 1.5 इंच का धार है। और ऊपर से भी हमने पूरा कंसील करके पूरा ऊपर से भी प्लेन माइका लगाया है टॉप लेवल को। और उसके नीचे अभी स्विच बोर्ड वगैरह आप सॉरी इसके अंदर नीचे अभी पूरा स्पॉटलाइट वगैरह आना बाकी है। तो इसी के साथ देख सकते हो ये जो बेस है अपना, जो उस साइड में साइज रखा है हमने, इस साइड में भी वही साइज रखा है। और ये जो धार देख सकते हो, ये धार लिया है हमने, ये पूरा तकरीबन 18 mm का धार है। तो इसके अंदर भी सेल पाने के साथ ये तकरीबन 20-20 इंच के 4 सेल्फ हो जाएंगे इसके अंदर। तो उसी के साथ ऑल ओवर इस तरीके से हमने ये पूरा ट्यूनेट को पूरा मेकिंग किया हुआ है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।